इस वक्त हजारों सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव जो है वो विदाउट ईवीएम के हो पाएंगे, या जितनी भी पार्टियां हैं वो एक ही बैनर के नीचे है? क्योंकि विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष कांग्रेस और बीएसपी आती हैं, दोनों ही पार्टी ईवीएम के विरोध में हैं। तो क्या लगता है कि आगामी आने वाले चुनावों का बहिष्कार भी कर सकती हैं इस सारी पार्टियां? देखिए, खास करके कांग्रेस और बीजेपी ईवीएम का बहिष्कार नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ठीक है, वो केंद्र में जो है आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, और उसकी सरकार जो बनी है वो ईवीएम के कारण ही बनी है, या ईवीएम के कारण ही लोगों की सरकारें बन और बिगड़ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। इनको पता है कि अगर जनता का सही मत का हमने तरीका ढूंढ लिया तो इस देश से जो जातिवादी व्यवस्था है, जनता उखाड़ फेंकने में बहुत देर नहीं करेगी। और उसका जो सही रास्ता है वो ये 5 साल में जो चुनाव आता है ये है, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने लोगों के सामने बदलाव करके दिखाया है। तो इस बात की जो समझ कांग्रेस को भी है, बीजेपी को है, इसलिए ये नूरा कुश्ती करते हैं कि एक कहता है ईवीएम हटा दो, दूसरा कहता है कि नहीं ईवीएम ठीक है। और अगर ये लोग वास्तव में ईवीएम के साथ चिंतित होते, ईवीएम ये लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रति अपने को जिम्मेदार समझते, तो अब तक ये ईवीएम हट गया होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के चुनाव में अभी एक व्यवस्था दी थी कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें चीफ जस्टिस भी एक पार्टिसिपेंट होंगे, और कैसे बीजेपी सरकार ने क्या है उस व्यवस्था का मखौल उड़ाया, और उसमें जो संशोधन करने जा रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चलिए कोई बात नहीं, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे। अब सोचने वाली बात है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है क्या वो प्राइम मिनिस्टर के निर्णय को कभी भी ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या भी उसके विरोध में जाएंगे? यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करना चाहेगा वो आज भी वही व्यवस्था क्या है बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जिस जातिवादी को इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहेगा उसको बनाने में ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कभी भी बाधा नहीं बनेंगे, इसलिए वो आज भी जो इलेक्शन रिफॉर्म से या इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर जातिवादी लोगों को इन संस्थाओं में नहीं बैठाया तो जातिवादी व्यवस्था को, जो संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, वो बहुत जल्दी बदल देंगे। उनको पूंजीपतियों का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बिना पूंजीपतियों के सहारे इस व्यवस्था को चैलेंज करके, और चैलेंज ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का जो एक सिद्धांत है कि दोज हु अपोज सक्सेसफुली विल बी रिक्वायर्ड टू प्रपोज, कि जो लोग मुखालफत करते हैं वो केवल मुखालफत ही ना करें बल्कि ये भी बताएं कि सही क्या है। ये काम बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की पहली पार्टी है जिसने कहा कि हमें वोट आप पैसा तभी देना जब वोट देना, जो लोग वोट देंगे वही पैसा दें। तो ये क्यों किया? क्योंकि इस देश में बहुजन समाज पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करके दिखाया है कि कैसे जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं वो पूंजीपतियों को इस देश में हरा सकते हैं, उनको जो है डिफीट कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। इसलिए जो कांग्रेस है, जो बीजेपी है, ये पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली पार्टियां हैं, इसलिए ये विरोध तो करती हैं लेकिन ये चाहती नहीं है कि ये ईवीएम की व्यवस्था में बदलाव हो, ये बैलेट बॉक्स की, बैलेट पेपर की जो व्यवस्था है उसको फिर से उस व्यवस्था के माध्यम से इस देश का लोकतंत्र चले। ये दोनों जब विपक्ष में होती हैं तो कहती जरूर है, लेकिन इनकी मनसा जो है ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर का हौसला बढ़ा हुआ है और ये ईवीएम के माध्यम से बार बार चुनाव में जा रहे हैं, ये जानते हुए कि इस देश की जनता का जो विश्वास ईवीएम पे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की व्यवस्था खतरे की तरफ जा रही है, उसके बाद भी इस तरह का जातिवादी स्टेप जो है इलेक्शन कमीशन उठाने के लिए जो है आगे बढ़ रहा है। जी,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।